बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कद्दू के रायते की रेसिपी लेकर आई हूं और उसके साथ मैं कीमे वाले नान बनवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि वो मैंने किस तरह से बनवाए हैं। हमने कद्दू को, आधा किलो कद्दू है और उसे हमने धो के अच्छे से छील के काट लेना है और ग्रेट कर लेना है। ये ग्रेटर है मेरे पास, इसे मैं इस तरह से घुमाऊँगी और तमाम कद्दू अच्छे से ग्रेट हो जाएगा। ये देखिए ग्रेट हो चुका है इस तरह से। अब हम एक पतीले में पानी लेंगे, तकरीबन 1.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर, और उसमें जब वो उबलने लग जाएगा तो उसमें हम कद्दू डाल देंगे। उसके साथ 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। ये बनाने में बहुत इजी है, बहुत झटपट बन जाता है रायता और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे आप नान के साथ, किसी भी सालन के साथ और नाश्ते में, लंच में, किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपनी मर्ज़ी से जो चाहें ऐड कर सकते हैं। मैंने धनिया पुदीने की चटनी के साथ रायता बनाया है दही का, और उसे मैं कद्दू में ऐड करूँगी। इस तरह से हम जब वो उबल जाएगा अच्छे से तो उसे छलनी में डाल के उसका पानी निचोड़ लेंगे और उसे किसी बाउल में डाल के फ्रिज में रख देंगे ताकि कद्दू ठंडा हो जाए। ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं अपना धनिया पुदीने का रायता ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ इसके अंदर टमाटर और प्याज भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके, जैसे आपका दिल चाहे। मैंने इस रायते के साथ कीमे वाले नान बनवाए हैं। नान मैंने तंदूर से लगवाए हैं लेकिन कीमे का मटेरियल मैंने खुद बना के भेजा था। देखिए रायता बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। आप कोई भी मीट खा रहे हैं तो उसके साथ वेजिटेबल बहुत अच्छी रहती है, इसलिए कद्दू के रायते के साथ वेजिटेबल भी हो जाती है और रायता भी, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए नान बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। और कीमे का मटेरियल जो है वो, उसको मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। मैंने आपको इससे पहले गोला कबाब की रेसिपी की वीडियो दिखाई थी, उसकी जो रेसिपी है सेम वही मटेरियल जो है वो मैंने नान के लिए तंदूर पे भिजवाया था, तो उन्होंने नान लगा के भेज दिए। मक्खन मैं खुद लगा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। गोला कबाब की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप इसी मटेरियल के साथ गोला कबाब भी बना सकते हैं, नान भी लगवा सकते हैं, आप सीख कबाब भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज़ यही मटेरियल जो है चल जाएगा और बहुत ही मज़े के बनेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।